60 सेकंड के अंदर जैसे ही इथियोपिया एयरवेज फ्लाइट 302 ने अडिस बाबा हवाई अड्डे से 10 मार्च रविवार की सुबह 8:47 पर उड़ान भरी, कैप्टन येरेड गिटाचू 8000 घंटे उड़ान के अनुभवी तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। जहाज जैसे चढ़ना चाहिए वैसे चढ़ नहीं रहा। ट्रैफिक कंट्रोल, उड़ान नियंत्रण में दिक्कत हो रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रडार के अनुसार जो विमान की चढ़ाई के दौरान ऊंचाई पर होनी चाहिए थी वो जमीन से न्यूनतम सुरक्षित स्तर से कुछ कम थी, लेकिन 120 सेकंड में विमान सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब रहा। अब 14,000 फुट तक मैं चढ़ता ही रहूंगा। फिर अचानक बिल्कुल साफ मौसम के बावजूद विमान गिरने लगा। प्लेन सॉफ्टवेयर ने आवाज में चेतावनी दी, डूब गति, डूब गति। लेकिन 9 सेकंड्स के भीतर ही वे इसे फिर से नियंत्रित करने में कामयाब रहे और विमान फिर से चढ़ना शुरू हो गया। ग्राउंड कंट्रोलर ये समझ गए थे कि बात गंभीर हो सकती थी और अन्य इथियोपियाई उड़ानों 613 और 629 से संपर्क किया। आने वाली उड़ानें अपनी ऊंचाइयों पर ही बने रहें जब तक कि हमारी तरफ से ऑल क्लियर ना मिले। तभी विमान फिर से गिरने लगा। उड़ान के बस 3 मिनट बाद यारेड ने एक बार फिर टर्मिनल से रेडियो संपर्क किया, इस बार घबराहट में। ब्रेक, ब्रेक, वापस आना होगा, कृपया वेक्टर लैंडिंग बताएं। तब तक कॉकपिट की छड़ी या स्टिक शेकर थरथराकर जोरों से आवाज कर रही थी पायलट को ये चेतावनी देने के लिए कि विमान गति गिर रही है, जिससे जहाज अटक या स्टॉल हो सकता था। जहाज स्टॉल तब होता है जब एंगल ऑफ अटैक AOA यानी हवा और विमान के बीच का कोना, जो आम तौर पर सिर्फ कुछ डिग्री होना चाहिए, बढ़ता है। 10 डिग्री से अधिक का कोण विमान को रुका सकता है, यानी हवा में उड़ने के लिए जहाज को जो गति चाहिए वो उसे नहीं मिलती। विमान के चौड़े पंख और मोटा नीचे का भाग हवा को रोकते हैं, जिससे विमान ठप हो सकता है। पंखों से जब उड़ने में कोई मदद नहीं मिलेगी, विमान सीधा नीचे गिर जाएगा। क्या आपने कभी तेज हवा के सामने बढ़ने की कोशिश की है? आपकी गति जरूर धीमी हुई होगी। बोइंग 737 मैक्स 8 के AOA सेंसर विमान के बाहर लगे हुए हैं, जो हर वक्त मापते रहते हैं कि हवा पंखों से किस कोण से गुजरती है। उस सेंसर में गड़बड़ी हो गई जब विमान वास्तव में सही ढंग से उड़ रहा था। सेंसर ने कंप्यूटराइज सिस्टम को सूचित किया कि उसकी नोक जरूरत से ज्यादा ऊंची हो गई थी। तुरंत एक नया स्वचालित सिस्टम MCAS पूंछ पर स्थित स्टेबलाइजर का उपयोग करके विमान की नाक को नीचे की ओर गिराना चाहा, जिससे जहाज फिर से सुरक्षित बन सके। लेकिन वास्तव में विमान को छलांग मारने पर मजबूर किया गया, क्योंकि 737 का मुख्य शरीर पहले से ही काफी नीचे है। जब बोइंग इंजीनियरों ने 800 के लिए एक कुशल और 20 इंच बड़ा लीप 1 भी बनाया, तो उन्होंने इसे पंख के बाहरी हिस्से पर लगाया ताकि वो जमीन से खुरचने से बच सके। लेकिन उस मामूली बदलाव ने वायु गति में तब्दीली कर दी, जिससे वो विमान की नाक के ऊपर की ओर धकेला। इसका मुकाबला करने के लिए बोइंग ने अपना नया सॉफ्टवेयर विकसित किया था। 2018 के लायन एयर क्रैश में सेंसर ने विमान को 20 डिग्री से गलत दिखाया। दोनों उड़ानों में पायलट ने अपने अंगूठे पर स्टेबलाइजर ट्रिम नियंत्रण का इस्तेमाल किया, जो जहाज के नाक की दिशा आधारित करता है, और ऑटोमेटिक MCAS का मुकाबला करना चाहा। लेकिन हर बार विमान सही कोण पर स्थिर होता था। 5 सेकंड बाद सिस्टम फिर से खुद ब खुद काम करने लगता था, जिससे हर 10 सेकंड में नाक को 2.5 डिग्री से नीचे धकेलता था। पायलट और सॉफ्टवेयर के बीच खींचमतानी बनी रही। क्या आप सोच सकते हैं कि लायन एयर की उड़ान में यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा, जब चंद मिनटों के दौरान विमान लगातार 24 बार ऊपर नीचे लहराया होगा। अंत में पायलटों ने कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर दिया और छलांग को खुद से नियंत्रित करने की कोशिश की। एक साथ दोनों पायलटों ने कंट्रोल खम्भों को खींचा ताकि जहाज उड़ता रहे, लेकिन विमान गिरता ही रहा। टेक ऑफ के 6 मिनट बाद जहाज खेत में जा गिरा, जिसमें सभी 157 लोग मारे गए। लायन एयर JT610 के कप्तान दिल्ली निवासी भव्य सुनेजा थे, जो 29 अक्टूबर 2018 जकार्ता इंडोनेशिया से टिन खनन शहर पंगल पिनांग जहाज उड़ा रहे थे। जब टेक ऑफ के 5 मिनट बाद यही समस्या पैदा हुई और विमान जावा समुद्र में 720 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5000 फुट की छलांग मारी, जिसमें कुल 189 लोगों की मौत हुई। दरअसल लायन एयर की उड़ान कभी उड़नी ही नहीं चाहिए थी। पिछले दिन जो पायलट विमान उड़ा रहा था, स्टिक शेकर लगातार आवाज कर रहा था, हमें सिस्टम को बंद करना पड़ा और मैनुअल रूप से हवाई जहाज उड़ाना पड़ा। विमान की पूरी जांच करनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगली सुबह ही उसी विमान को उड़ान के लिए तैयार किया गया। लापरवाही अलग,
कई सालों से हवाई सुरक्षा में इतना सुधार हुआ है कि 2018 में 25 लाख 30 हजार उड़ानों में लायन एयर दुर्घटना एकमात्र घातक उड़ान थी। दुर्भाग्य से बोइंग ने पायलटों को एमकेएस के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। जेट एयरवेज के 1488 पन्नों की या स्पाइस जेट के 1016 पेज फ्लाइट क्रू ट्रेनिंग मैनुअल या बोइंग के 90 स्लाइड के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसका कोई जिक्र नहीं है। एकमात्र स्थान जहां यह दिखाई देता है वो है मैक्स ट्रेनिंग मैनुअल में पेज नंबर 452 पर। लो कर लो खोज आपातकाल के दौरान। उच्च गति की ओर अगर एंगल ऑफ अटैक बढ़ेगा तब MCAS स्टेबलाइजर का स्वयं उपयोग करके नाक की दिशा की ओर बदलेगा। उच्च गति तकरीबन 350 समुद्री मील और 10,000 फीट की ऊंचाई पर मानी जाती है, मगर दोनों अमांगलिक जहाजों ने अभी अभी ही उड़ानें भरी थी और सिर्फ 250 समुद्री मील और 5,000 फीट की ऊंचाई से भी वे नीचे थे। फिर भी MCAS ने दखल दिया। सिम्युलेटर पर प्रशिक्षित पायलट इस समस्या से निपटने में सक्षम रहे, लेकिन ये एक महंगा कार्य है जहां हर पायलट को कम से कम 4 घंटे तक अभ्यास करने की जरूरत होती है, जो कि 800 मैक्स की बिक्री में बाधा पैदा कर सकता था। जब कुछ देशों ने 737 मैक्स के उड़ने पर पाबंदी लगाई, बोइंग और अमेरिकी FAA ने जोखिम को मामूली दिखाने की कोशिश की। परिवहन सचिव एलन चाओ ने दुर्घटना के 2 दिन बाद ही अपने सारे कर्मचारियों के साथ टेक्सास से डीसी के लिए मैक्स 8 पर सफर किया। हम सभी को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि 737-800 बिल्कुल सुरक्षित है। इस दिखावे के बावजूद हजारों यात्रियों ने एयरलाइन से दरख्वास्त की, सर मेरी फ्लाइट टिकट को किसी दूसरे विमान से बदल दीजिए या फिर इसे रद्द कर दीजिए। फ्लाइट अटेंडेंट यूनियन ने अपने नियोक्ताओं से मांग की, बैठा दो मैक्स को। बोइंग, जो रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा योगदान देता है, राष्ट्रपति ट्रम्प से सहारा लेना चाहा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि यह विमान पूरी तरह से उड़ान के लिए सुरक्षित है। लेकिन एरियन उपग्रह चित्रों ने पक्का बताया कि दोनों दुर्घटना काफी मिलती जुलती थी। हालांकि लायन एयर 24 बार और एथिपियन 4 बार लड़खड़ाए, टेक ऑफ के बाद जहाज कभी उतरता नहीं। जैसे जैसे और देशों ने 737 मैक्स 8 विमान को उड़ने से रोका, दुर्घटना के तीसरे दिन ट्रंप ने घोषणा की, जिससे बोइंग के लिए और कोई चारा नहीं बचा। उन सभी विमान पर पाबंदी लगा दी जाती है अभी इसी वक्त। ग्राहकों से 4,600 प्लेनों की मांग के साथ 737 मैक्स 8 कंपनी के इतिहास में सबसे तेजी से बिकने वाला विमान था, जो भविष्य में $550 बिलियन या 40 लाख करोड़ रुपए के राजस्व उत्पन्न करने वाला था। और जिस मांग को पूरी करने के लिए हर महीने 57 प्लेन तैयार हो रहे थे, इसके बदले अब वो 7,000 करोड़ का नुकसान सहेंगे और सैकड़ों मुकदमों से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहला वाला अमेरिकी अदालत में दायर हो चुका है, रवांडा से जैक्सन मुसोनी का परिवार। आरोप, बोइंग ने दोषपूर्ण उड़ान नियंत्रण प्रणाली बनाई। बोइंग ने वायदा किया था कि वे उनका सॉफ्टवेयर 2018 के अंत तक अपडेट करेंगे, लेकिन निभाया नहीं। सॉफ्टवेयर फिक्स जल्द ही उपलब्ध होगा, इसे पूरी तरह से परीक्षण किया गया है। अगर वक्त की पाबंदी की होती तो कहानी कुछ अलग बनती। कई एयरलाइंस खर्च बचाने के लिए कॉकपिट में AOA डिस्प्ले नहीं लगवाते, इसे अब FAA द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। MCAS अपडेट अब केवल एक नहीं बल्कि 2 सेंसर के डेटा पर निर्भर होगा, और अगर दोनों रीडिंग एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है तो पायलट को सूचना मिलेगी। वैसे एयरबस 3 सेंसर पहले ही लगा चुका है। इसके अलावा नई सिस्टम केवल एक बार में ही अपने आप चलेगी, पहले जैसे बार बार नहीं, और पायलट को सिस्टम ओवरराइड करने के लिए और ताकत दी गई। वैसे भारत में एयरबस A320neo के प्रैट एंड विटनी 1100 इंजन के साथ भी समस्याएं हुई हैं, जहां 18 महीनों में उड़ान के दौरान 69 बार इंजन फेल हुआ। हवा में नमी के कारण जंग पकड़ना कारण माना जा रहा है। इस बीच पता चला कि FAA खुद परीक्षण करने के बिना सालों से एयरलाइन के कागजात पर भरोसा करते आया है। हमें स्वतंत्र रूप से परीक्षण करने के लिए 10,000 लोगों और 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। जाहिर है कि एयरलाइनों के बुरे दिन चल रहे हैं। बोइंग को ग्राहकों का आत्मविश्वास फिर से जीतना होगा और एयरलाइंस को भी रखरखाव में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। हमारी विमानन उद्योग पर ये वीडियो जरूर देखेगा। बिस्बो की शायरी, मैक्स 800 उड़ चला लिए साथ कई जान, तकनीकी लोचे बहुत फिर भी भारी उड़ान, कच्चे चालक थे सभी नहीं सही अभ्यास, जान माल की हानि का देगा कौन हिसाब।
क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो सब्सक्राइब करें बिज़्बो चैनल को और साइट के बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।